हाय गाइस, लैंग्वेज स्टार अनिल सर आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं और इसे कृपया अंत तक देखिए और फिर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना न भूलें जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। दोस्तों, ये कहानी एक नदी के किनारे दो पेड़ की है जिसमें बरसात का मौसम होने वाला रहता है, आने वाला रहता है कि एक चिड़िया आती है, पहले वाले पेड़ से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर, तुम्हारी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना लूं? वो पेड़ मना कर देता है, कहा नहीं, तुम मेरे पेड़ पर घोंसला मत बनाओ। फिर दूसरे पेड़ के पास जाती है, कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बना लूं? तो पेड़ कहता है ठीक है, बना लो। घोंसला बना लेती है। संजोग ऐसा होता है, बरसात होती है, बरसात बहुत तेज होती है, बरसात बहुत तेज होती है जिसके कारण से क्या होता है, पहला वाला पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर जाता है और वो बहने लगता है, और जब बहने लगता है तो चिड़िया कहती है तुमने मुझे शरण नहीं दिया था, इस वजह से तुम्हें कोई बहने से रोक नहीं पाया, अगर तुम शरण देते, किसी की सहायता करते तो जरूर तुम्हारी सहायता कोई न कोई ऊपर वाला किसी न किसी माध्यम से करता। पेड़ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैंने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे पता था कि यह पेड़ बरसात में निश्चित तौर पर गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, इस वजह से मैंने तुम्हें शरण नहीं दिया, और मुझे पता था कि वह पेड़ मजबूत है, जड़ से मजबूत है, इसलिए तुम वहाँ सुरक्षित रह सकती हो, जिसके कारण से मैं मना किया, मना करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तुम्हें दुख पहुँचा है इसके लिए मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान नहीं देखना चाहता था। यही होता है, कभी कभी कोई मना करता है तो उसे हम बुरा मान जाते हैं, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होता है सब ऊपर वाले के आदेश के अनुसार होता है, एक ऊपर है, एक सुप्रीम पावर है जो सबको सुपरवाइज करता है, और जैसा वो सुपरवाइज करता है वैसा ही चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, करता है। ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में जिससे हम काफ़ी उम्मीद करते हैं और किसी किसी बिंदु पर वो हमें मना करता है, तो अगर मना करता है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होना है या कुछ बुरा होने से बचना है जिसके कारण से वो मना करता है, और वो मना वो नहीं करता है, ऊपर से आदेश रहता है, ऊपर का एक विधान रहता है जिसके कारण से वो मना करता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई मना करता है उसे बुरा मत मानिए, उसको अन्यथा मत लीजिए, बल्कि ये समझिए मेरे लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं था, मेरे लिए नुकसानदायक ही था तभी उसने मना किया। ऐसे ही हम रोते रहते हैं, भगवान को दोषी बनाते हैं कि भगवान मुझे दिया नहीं, भगवान ने मेरे साथ ये फैसला किया, वो फैसला किया, लेकिन कभी भी भगवान गलत फैसला नहीं करता है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ऊपर वाला वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हम जो सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है शायद ऊपर वाले की निगाह में अच्छा नहीं था, इस वजह से वो हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन ऊपर वाले की निगाह में जो अच्छा रहेगा वही हमें देगा, और वो हमारे पास आना ही आना है क्योंकि वह ऊपर वाले ने दिया है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखिए और जहाँ तक संभव हो किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करिए, हर समय ईश्वर आपके साथ रहेगा, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, और जो भी होगा बेहतर ही होगा, कभी कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सिर पर
ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाला सुपरवाइज कर रहा है, ऊपर वाला आपके लिए बेहतर सोच रहा है। जिसने हमें भेजा है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हम अपनी सोच को लेकर के परेशान क्यों हों? तो बस मेरा ही कहना है कि जो भी होता है सब कुछ ऊपर वाले के आदेश के अनुसार होता है, हमारी प्रारब्ध के अनुसार होता है। हम अपनी सुख या दुख का कारण दूसरे को दोषी मत बनावें, बल्कि अपना प्रारब्ध मान करके उसे अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते रहें, जिससे जीवन एक जीवंत बन जाए। कभी भी आप ऐसी सोच रखने पर शायद कभी भी मन दुखी नहीं होगा, किसी के से कोई शिकायत नहीं होगी और जीवन पथ पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।